कभी इसके अंदर वायर अटक जाए और आपका पेचकस या वायर अंदर बाहर नहीं जा रही हो तो छोटी सी सुई या पतला सा पेचकस आता है सस्ते सा, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और ये एल्युमिनियम का होता है तो इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है इस पे, इसे गर्म करना है, पिघलाना नहीं है, बस इसे गर्म करेंगे तो ये ईजिली निकल जाएगा। और फिर आपको कुछ इस तरीके से करना है, गर्म हो रहा था, और बस आपको हल्का सा अप एंड डाउन अप एंड डाउन करना है। और जो वायर है वो देखिए टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे जो डैमेज करते हैं इसे, वो आराम से निकल जाएंगे। और उसके बाद आप आराम से इसमें वायर निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा था सब निकल गया है ईजिली, अब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है लाइक दिस। मंदिर का दिखाऊँ तो आपको पेच का दिखाई देगा ये। हेलो, 80% नेक बैंड में एक ही प्रॉब्लम आती है, वायर खींचने की वजह से ऑडियो आना बंद हो जाती है लेफ्ट में या राइट में। तो ये जो आप देखेंगे वायर जहाँ से पतली हो रही है ये, तो मतलब ये है कि वायर यहीं से खींची है और यहीं से इसकी वायर टूटी है। तो किस तरीके से ठीक करते हैं वो ही बताएंगे अभी।